मैं पहुंच गया हूं मेले पे, एक स्पेशल मेले पे, सूरज कुंड मेला। कोई ऐसा वैसा मेला नहीं है, ये है इंटरनेशनल मेला, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्रैप्स मेला। टिकट मैंने खरीद ली है और गेट सामने ही है, तो विदाउट एनी फर्दर एडू चल पड़ते हैं। एंट्री तो मैंने कर ली है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, यहाँ से कुछ हो रहा है। इन्होंने बताया कि मुझे इधर से जाना होगा, तो चल लेते हैं। यहाँ पे कुछ सामान दिख रहे हैं और यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बता दूं टाइम लिमिट सबके पास 3 मिनट है। यहाँ पे ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, ये सब बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसे लिख रहे हैं, और वहाँ पे स्टेज पे भी कुछ हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। ये लो जी, ये कहाँ की कारीगरी है? सहारनपुर। लो जी, सहारनपुर की कारीगरी। वाह जी वाह, क्या क्या है यहाँ पे, आपको भी दिखाते हैं जरा। ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी कुर्सी देखिए, क्या अलग ही स्टाइल की है, ट्रायंगुलर सी बनी हुई है। ये बता रहे हैं कि ये सेट पूरा 12,000 का है। और भी है यहाँ पे, मेटल और वुड में इन्होंने बना रखे हैं ये। यहाँ पे रास्ते इतने सारे हैं, इधर इधर उधर, कि समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे लगता है यहीं सामने से ही शुरू करता हूँ मैं, फिर आगे देखते हैं। ये है चैनल रेन ए, और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। फटाफट निकल लेते हैं आगे को हाइपरलैप्स के जरिए, वरना तो वीडियो बड़ा लंबा खिंच जाएगा। यहाँ तो आजू बाजू इधर उधर हर तरफ स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं। मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे इनके ऊपर नज़र पड़ गई। ये अभी पूछने पे पता चला कि ये 4.5 लाख का है, 4.5 लाख का है ये गणेश जी की, ये जो सब कुछ बना हुआ है। ये देखिए ये क्या है, और इसके नीचे गणेश जी, सुंदर सी मूर्ति है। और भी मूर्तियां हैं यहाँ पे, ये पैनल्स देख लीजिए। इन सब में अभी कलरिंग की नहीं है इन्होंने, जब कलर करते हैं वाइब्रेंट कलर्स तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये। ये देखिए कितना सुंदर है ये, और यहाँ पे गणेश जी वो पैनल है। ये आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, और इनकी ये कार्विंग तो सच में बहुत ही अच्छी है, ये जो इन्होंने लाए हुए हैं। यहाँ पे कृष्ण जी हैं, और देखिए कितनी और चीज़ें हैं। अब ये क्या है, ये तो किसी के सर पे शेर खड़ा लग रहा है, कुछ यूनिक ही है ये, है ना? इस स्टॉल ने तो मेरे को मैसमराइज कर दिया, पर यहीं पे टिके तो रह नहीं सकते क्योंकि बहुत कुछ देखना अभी बाकी है, तो आगे बढ़ लेते हैं। चलते चलते मैं इस गेट के पास पहुंच गया हूं, जहां पे मैं कुछ दिन पहले भी आया था, तब मेरे एक अजीज की शादी हो रही थी सूरज कुंड में यहीं आसपास। तब के 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा आप, अच्छा ही लगने वाला है आपको। यहाँ अभी मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे शेर है, उस वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको, पर दूर से ही। अब देख लीजिए नज़दीक से, ये पेड़ पे चल रहा है,
ये यहाँ का एक सेल्फी पॉइंट है और उस ओर एक गेंडा है। लगता है ये बच्चों का खूब फेवरेट है, तभी तो इसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं ये सब। ये है दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी। अभी इसका मुंह उस साइड है, उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फ्रंट व्यू यहाँ का। यहाँ पे सुंदर सी ये कैटल है, ये उज़्बेकिस्तान से आए हुए हैं। ये प्यालियां जो यहाँ पे हैं, ये मुझे याद दिला रही हैं कश्मीर की। वहाँ के मुस्लिम ऐसे ही प्यालियों में चाय पीते हैं, हिंदू नहीं पीते हैं। ये कुछ वैसी और प्यालियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे करनाल जिले से आए हुए हैं, हरियाणा के। पता नहीं क्या स्तंभ है यहाँ पे, उधर वो भीम बाटिका वाली गुफाएं हैं जहाँ पे आदिम लोगों ने कुछ ड्राइंग बना रखी है, उसका रेप्लिका है। ये तो वैसे ही गांव का दृश्य है, ये सामने वाला, और वो है असम का रंगघर। हम वापस मेले में ही चलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन बना रखी है इन्होंने। ये हाथी हैं और मुखौटे हैं। यहाँ पे आप किस जगह से आए हैं? ओडिशा से। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे ये पेंटिंग है, इसका कुछ नाम होता है क्या? पट्टचित्र है। ये बता रहे हैं कि ये पट्टचित्र है। हाँ, पाम लीफ और पट्टचित्र, ये ओडिशा का पूरा फेमस है। ये जो जगन्नाथ मंदिर में जो सूर्य होता है ना, हाँ जी, इसको यही काम है। ये तो ये आप खुद बनाते हैं? आपकी फैमिली बनाती है? पूरा खुद बनता है, इसको फैमिली में ही बनता है। ओके, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, पद्मश्री भी मिलता है। जी जी। अब जैसे ये गणेश जी आपने बना रखे हैं, इसका क्या कॉस्ट होगी? इसको 6,000 में आता है, इसको 10,000 में आता है, 3,000 का, 2,000 का, 20 लाख में। इसको 200 रुपया में शुरू होता है, 20 लाख में होता है इसको पेंटिंग का। आपने सुना 200 से लाखों में जाता है। ये घर का सामान है, चकला बेलन वेलन सहारनपुर से, और ये गन लेके सहारनपुर ही झूले पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बाकी सहारनपुर का ही है सारा। ये देखिए यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, क्यारी बनी हुई है पूरी। हाँ जी, आप क्या बेच रहे हो? कपड़ा बेच रहे हैं। कपड़ा? कपड़ा ही कपड़ा ही है सारा। शॉल है क्या है? मधुबनी प्रिंटिंग है। मधुबनी प्रिंटिंग, तो ये बता रहे हैं कि ये मधुबनी प्रिंटिंग वाले हैं। जम्मू कश्मीर के स्टाल पे, ये जम्मू कश्मीर पानून स्टाल। वन सा क्या जी नाम से? अली। यम से अली? तो तो समीर। समीर साहब, तो शुवा श्रीनगर पे था? कौन तो क्या क्या चुकना है? अच्छा, शॉल कश्मीरी आइटम। ओके ओके ओके। मैं जो बात कर रहा था, हो सकता है आपको समझ नहीं आई हो, मैं कश्मीरी में ही बात कर रहा था। ये देख रहे हैं आप, ये सब कश्मीरी आइटम इन्होंने रखे हुए हैं। अभी बता रहे थे ये शॉल स्टोल वटोल सब कुछ है इनके पास। ये क्या है? ये वुडन है सर। ये बता रहे हैं ये कि ये वुडन है। ये कौन सा वुड है? शोला वुड है। शोला वुड कुछ बोल रहे हैं, ये बड़ा नरम नरम सा है। ये सारे हैंडमेड है? क्या कॉस्ट होगा इनका? स्टिक्स प्राइस होता है इनका, जैसे ये 60 रुपीस प्राइस स्टिक है, उधर 40 वाला भी हमारे पास। तो ये और इनके सारे हैं यहाँ पे। ये खाना वाना खा रहे हैं। अभी मेरे खाने का टाइम हुआ नहीं है, तो अभी मैं घूमूंगा ही आपको लेके खाने पीने के लिए। ये सब
आपने जलेबी तो सुनी होगी, मगर ये है जलेबा। जलेबा ही है, बड़ा सा मेरे हाथ के सामने आप देख सकते हैं, पर हाथ के बराबर है ये। ये कढ़ाई दूध है, तो ये जलेबा 100 रुपए का एक, और साथ में यहाँ पे और भी चीजें। ये क्या है? छोले भटूरे। यहाँ पे तो ये आपको पता ही है क्या है, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, अंजीर, और ये तो किशमिश है। ये क्या है? ये काली किशमिश है। ये और किसी किस्म की किशमिश है? अफगानिस्तान का मुनक्का। मुनक्का, मुनक्का। और ये मिक्स क्या है? ये मिक्स सारा, इसको रंगीला मिक्स फ्रूट्स कहते हैं। रंगीला मिक्स फ्रूट, इसके अंदर ईरान, वो खुबानी है क्या? टर्की का खुरमानी। मैं सोचा ये लद्दाख की खुबानी होगी, टर्की से ले आए हो आप? टर्की से सर, टर्की का। ये क्या है? ये मैंगो है सर, रत्नागिरी मैंगो। अपना ये क्या नाम है? पंचमढ़ी में पाव। अपना ये मुंबई का रत्नागिरी, वहाँ का मैंगो है। ये तो मेरे कश्मीर का होगा कि ये भी नहीं, कश्मीर का नहीं है। ये चिल्ली का है सर, सॉरी, ये चिल्ली का। ये दिल तोड़ दे रहे हैं, कश्मीर का सर वो है अपना। लो जी, कश्मीर का एक चीज मिल गया, वो कश्मीर की गिरी है। बैंगलोर का है, काजू बैंगलोर का बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं पहुंच गया हूं एक ऐसे स्टॉल पे जिस कंट्री का मैंने नाम पहले तो सुना नहीं है। आप देख लीजिए, इस्वाटिनी। और इनके यहां पे ये कुछ, इसे क्या कहें मुझे नहीं पता, हो सकता है डाइनिंग टेबल पे रखने वाला कुछ हो। व्हाट इज दिस कॉल्ड? नेम। ओके, और ये इनके पास और चीजें हैं। ये देखिए, छोटा सा हिप्पोपोटामस, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। हाथी बाती तो है ही है। ये मालाएं हैं इनकी, ये उनका ड्रेस होगा शायद वहां का। दिस इज योर ड्रेस ऑफ योर कंट्री, यू वियर दिस। ओके ओके, व्हाट इज दिस? शील्ड। ये शील्ड है, और मतलब ये क्या कहूँ मैं, आप खुद ही समझ लीजिए कि वहाँ पे ऐसे पहले रहते रहे होंगे, तो ये वो ड्रेस है उनका तब का। ये यहाँ पे जिराफ है, अफ्रीका में तो जिराफ होते ही हैं। Yes, जिराफ मेड आउट ऑफ वुड, जैकरैंडा वुड, फ्रेम्स एंड कलर इट नाइसली विद द डॉट्स। ओके, बता रहे हैं कि ये लकड़ी के बनाई हुई हैं, और इसके ऊपर इन्होंने ये जो कुछ भी रंग बंग किया हुआ है, तो ये है। What is the cost of this? How much? 800 rupees. 800? Yes. Okay. तो ये 800 रुपये का है। ब्लॉग बहुत लंबा खिंच गया है, तो इसे यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जो मैं यहीं से शुरू करूंगा। तो अगले वीडियो तक जुले, नमस्कार, सत श्री अकाल।